इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। डिंडौरी जिले के अमरपुर विकास खंड के प्राथमिक शाला बरबसपुर में गिर रहा है प्लास्टर। प्राथमिकता की स्थिति दयनीय हो चुकी है। छत से प्लास्टर नीचे गिर रहा है, जो कभी दुर्घटना का कारण बन सकता है, जिसे स्कूल प्रबंधन के साथ शिक्षा विभाग भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिसकी शिकायत बीईओ कार्यालय अमरपुर में वी के चिचाम को भी दी गई, परंतु स्कूल का हाल पहले जैसे ही निर्मित है और कोई सुधार कार्य नहीं किया गया। जिले में बैठे शिक्षा विभाग के बैठे जिलाधिकारी इसी की हवा लेने से फुर्सत नहीं है। कोई भी दुर्घटना होती है तो क्षेत्रीय नेताओं को अपनी नेतागिरी चमकाने का मौका मिल जाता है। क्या नाम है सर आपका? राजदीप। सर, स्कूल के लिए आपने कहाँ आवेदन किया है? बीआरसी कार्यालय बी ऑफिस अमरपुर। क्या हुआ? इससे पहले जो टीचर थे उन लोगों ने भी भेजाए हैं, फिर हम भी भेजाए हैं। किस वजह से भी पहुँचा है? कि बरांडा का हालत खराब है, जो स्थिति खराब है इसका, पूरा पानी टपक रहा है और पूरा छत भी गिर रहा है। वो गिरने की कगार भी पूरा है। तो उसमें यह है कि बच्चे जैसे जाते हैं तो वहाँ पर मैं खड़े होके रहता हूँ, उसके बाद बच्चों को अंदर ले जाता हूँ। एक बार तो मैं भी बच गया कि मेरे ऊपर गिरने वाला था। जैसे मैं अंदर गया और नीचे गिरने वाला था कि बहुत तो बच गया मैं, और कई बार सांप भी गिरने वाले हैं मेरे सिर पे। आप शिक्षा मंत्री से क्या कहते हैं स्कूल के बारे में? मैं शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि नया स्कूल बनवा दें। नया स्कूल नहीं बनवाएंगे तो कम से कम एक अच्छा बनवा दें। आपका क्या नाम है सर? राजदीप मरावी, प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला बरबसपुर। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।